तो वो हो जाएगा सा गा पा फॉर्मूला बना वन फाइव एट और हेलो एवरीवन नमस्ते प्रणाम मैं हूं कंचन मणि रत्नम स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो है कि कॉर्ड क्या है कॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं हारमोनियम पे कॉर्ड कैसे लगाएं और कॉर्ड बनाने का फॉर्मूला क्या होता है ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों को कॉर्ड्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे कि कोई भी गाना होता है अगर आप उसको प्ले करते हैं एक तरीके से गाना अगर शरीर है तो उस शरीर का जो प्राण है ना वो होता है कॉर्ड। क्योंकि जब आप गाना प्ले करते हैं विदाउट कॉर्ड तो वो बहुत ही खाली लगता है सिंपल एकदम नॉर्मल लगता है लेकिन जैसे ही आप कॉर्ड लगा करके प्ले करते हैं तो वो गाने में जान आ जाती है खिल जाता है गाना खूबसूरती बढ़ जाती है इसलिए आप सभी लोगों को कॉर्ड्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट भी किया था और ये कहा भी था कि मैम कॉर्ड्स के बारे में बता दीजिए कि कॉर्ड्स हारमोनियम पे कैसे लगाएं कोई भी गाना बजाएं तो उसको कैसे हम अप्लाई करें तो सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि कॉर्ड्स के बारे में तो सबसे पहले जानिए कि कॉर्ड कितने होते हैं कॉर्ड लगाने का फॉर्मूला क्या होता है मेजर क्या होता है माइनर क्या होता है ये सारी चीजें जब आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी तो गाने में आप उसको अप्लाई कर पाएंगे अगर आपको पता ही नहीं होगा उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आप कैसे प्ले कर पाएंगे और एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स चाहे आप हारमोनियम प्ले कर रहे हो चाहे आप कीबोर्ड प्लेयर हैं दोनों के लिए ये वीडियो है बट बात यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कॉर्ड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए तो चाहे आप उसको पियानो पे बजाइए चाहे हारमोनियम पे बजाइए बात वही होगी तो इस वीडियो से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मैं बहुत डिटेल में बताने वाली हूं कि कॉर्ड क्या है कॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं कॉर्ड बनता कैसे है और कॉर्ड लगता कैसे है तो फ्रेंड्स अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वे आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और हाँ फ्रेंड्स लाइक करना मत भूलिएगा और कहा से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं अपने कंट्री या सिटी का नाम जरूर मेंशन करिएगा आपके कमेंट्स पढ़ करके मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स मुझे ये लगता है कि यस मैं आप सभी लोगों की मदद कर पा रही हूँ कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है मैं उसको सॉल्व कर पा रही हूँ आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उस उसपे अच्छी तरीके से वीडियो इसी तरीके से बना बना के आपके क्वेश्चन का आंसर दू आपके सारे दूर हो जाएंगे म्यूजिक से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो में और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि डायरी और पेन लेकर के बैठना है क्योंकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी आपको नोट कर लेना है इस वीडियो से जो भी जानकारी मिलेगी वो आज के बाद वो आपका हो जाएगा आपको दोबारा भटकने की जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसीलिए मैं बोलती हूँ कि डायरी में आप उसको नोट करते चलिए क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट होगा आज ही अभी क्लियर होगा इस वीडियो के माध्यम से लेकिन अगर आप नहीं नोट करेंगे सिर्फ देख लेंगे और लगेगा कि हाँ हमको आ गया तो मैं आपको बता दू गारंटी के साथ बोल रही हूँ फ्रेंड्स आप दो महीने छह महीने बाद भूल जाएंगे ठीक है अगर आप लिखे रहेंगे तो ये कभी भी अगर आपके माइंड से स्लिप करता है तो आप इसको देख लीजिए कि हाँ मैम ने ये बताया था यही कॉन्सेप्ट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पुराने व्यूवर्स ये बात जानते हैं अगर आप नए हैं तो आप भी यही करिए आप डायरी और पेन ले करके बैठिए फ्रेंड्स तो अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप एक डायरी बना ही लीजिए क्योंकि जो भी मैं टॉपिक बनाती हूँ उस सब में कोई ना कोई फॉर्मूला होता है कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है तो आप उसको लिखते जाइए और सीखते जाइए वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं सिखाने के लिए मैं अच्छी तरीके से सिखा रही हूँ लेकिन आप कैसे सीख रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है क्योंकि मैं चेक नहीं कर पा रही हूँ तो आप ईमानदारी से खुद उसको चेक करिए खुद इतने सेंसियर बनिए कि हाँ जो मैम लिखवा रही है जो बता रही है उसको हम लिखें और अच्छी तरीके से उसको आगे फॉलो करें क्योंकि म्यूजिक में यही सारी चीजें होती है अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो ये काम किया करिए कोई भी जानकारी कहीं से भी मिले तुरंत नोट कर लिया करिए कि यस ये ऐसा

कैसे बनता है फॉर्मूला क्या है फिर उसके बाद मैं हारमोनियम पे बताती हूँ सो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि कॉर्ड क्या है और कॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं और कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है तो so, फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये समझना है कि कॉर्ड क्या है हम कैसे जानेंगे कि ये कॉर्ड है कॉर्ड वैसे ही समझेंगे, वैसे ही जानेंगे जैसे कि सप्तक होता है सप्तक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टेव जैसे कि एक सप्तक में सात सुर होते हैं यानी सात स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं वैसे ही कॉर्ड में तीन स्वर होते हैं अब एक तरीके से ये कह सकते हैं तीन स्वरों के समूह को कौड कहते हैं ठीक है अब ये कॉर्ड बनता कैसे है इसका फॉर्मूला क्या है सबसे पहले आप ये जानिए कि कॉर्ड बनता कैसे है कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है तो आइए बताते हैं कि सबसे पहले कॉर्ड बनता कैसे है जैसे कि आप सभी लोगों को पता है फ्रेंड्स कि स्वर कितने होते हैं तो स्वर जो होते हैं बारह होते हैं इस तरीके से नंबर में हम लिख देंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है बारह स्वर होते हैं तो इंग्लिश में अगर देखें की और हारमोनियम दोनों के लिए इसलिए मैंने दोनों लिखा हुआ है ठीक है आप दोनों समझिए चाहे आप हारमोनियम प्ले करिए चाहे की दोनों समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है तो आप ऐसे पहले इसको लिखिए कि स्वर कितने होते हैं बारह तो बारह स्वरों को हारमोनियम से अगर स्टार्ट करें तो उसको बोलते हैं सी यानी पहला सफेद को बोलते हैं सी और कीबोर्ड में भी सेम होता है पहले सफेद को बोलते हैं सी तो सी के बाद सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए ए शार्प एंड बी ठीक है अब इसी को क्लासिकल फॉर्म में अगर देखें तो सा कोमल रे रे कोमल गा गा मा तीव्र मा पा कोमल धा धा कोमल नी और नी अब इसके बाद अगर अगले ऑक्टेव में हम जाते हैं तो वो हो जाएगा तेरा यानी कि ता सप्तक का सा ठीक है अब बात करते हैं कि कॉड कैसे बनता है ठीक है फ्रेंड्स ये बारह स्वर हैं अब इन्हीं बारह स्वरों में से कॉड का फॉर्मूला बनेगा तो कॉड का फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कॉड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं पहला जो होता है मेजर दूसरा होता है माइनर ठीक है इसको अच्छी तरीके से पहले नोट कर लीजिएगा इसी तरह से ठीक पहला होता है मेजर दूसरा होता है माइनर अब मेजर की बात करें तो मेजर में तीन स्वर लगेंगे और अगर क्लासिकल फॉर्म में देखें तो वो हो जाएगा सा गा पा ठीक है फॉर्मूला बना वन फाइव एट और माइनर में जो होगा सा कोमल गा पा और फॉर्मूला बना वन फोर एट का यही फॉर्मूला होता है ठीक है अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैम सागा पा ही क्यों हुआ सा, पा सा क्यों नहीं हुआ या कोई और सुर मिलकर के क्यों नहीं बने तो इसका जवाब ये है कि गौड जो होते हैं श्रुतियों के अनुसार ही रखा गया है जैसे जैसे कि बारह स्वर एक श्रुतियों के अनुसार रखा गया है वैसे कॉर्ड भी श्रुतियों के अनुसार ही रखा गया है कोई दूसरा सुर नहीं लग सकता सागा पा ही लगेगा मेजर में सा कोमल गा और पा लगेगा माइनर में ये, ये साउंड की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से बनाया गया है अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए और आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए कि मेजर में सागा पा ही लगेगा कोई और सुर नहीं आएगा और माइनर में सा कोमलगा और पा लगेगा कोई और सुर नहीं आएगा जब सागा पा एक साथ बजते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है जब सा कोमल गा का सुर लगता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है तो जो हिसाब बनाया गया है जो फॉर्मूला बनाया गया है वही हम अप्लाई करते हैं अगर हम दूसरा सुर लगा लेते हैं, तो वो बेसुरा हो जाता है फिर वो मेलोडी नहीं रह जाती है जो मेजर और माइनर की होनी चाहिए तो आइए बताती हूँ की मेजर कैसे बना और माइनर कैसे बना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वन से लेकर के बारह स्वर अगर फॉर्मूले की बात करें मेजर की तो वन फाइव एट है तो वन में लिखा सा ठीक है वन क्या है सा फाइव में क्या आया गा ठीक है और क्या बोलते हैं एट पे क्या आया पा तो मेजर के लिए हो गया वन फाइव एट क्लियर मेजर के लिए हो गया वन फाइव और एट क्लियर अगर हम कीबोर्ड के फॉर्म में बात करें तो मेजर का जो बनेगा सी ई एंड जी ठीक है क्लियर यही मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि मेजर में जो होगा अगर क्लासिकल फॉर्म अगर हारमोनियम की बात करें तो सागा पा और फॉर्मूला है 158 और कीबोर्ड की बात करें तो उसका फॉर्मूला बनेगा मेजर मेजर को कैपिटल एम लिख देते हैं जैसे सी पे कैपिटल एम लिख दिया तो ये मेजर हो गया सी पे स्मॉल एम लिख दिया तो वो माइनर हो गया C पे अगर मेजर की बात करें तो सीई जी e, तो यही हुआ सीई जी e, अगर क्लासिकल फॉर्म में बात करें तो पा पा तो सा गा ये सामूला रट लीजिए आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए अब माइनर की बात करें तो माइनर का फॉर्मूला क्या है वन फोर एट तो वन में तो यही रहेगा है ना अब फोर की बात करेंगे ये आ जाएगा कोमल गा आएगा उसके बाद ये फोर है ठीक है तो यही रहेगा ठीक उसके बाद यहाँ पे एट है तो एट में यही रहेगा माइनर का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो उसका जो निकल के आएगा सुर वो होगा सा कोमल गा और पा तो यही मैंने लिखा है सा कोमल गा और पा आपको मैं डिटेल में यहां बता रही हूं तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए समझ लीजिए लेकिन आपको याद क्या रखना है ये वन फाइव एट सा गा पा वन फोर एट सा कोमल गा पा ठीक है और अगर कीबोर्ड के फॉर्म में याद करना है तो सी माइनर है तो सी माइनर में सी डी शार्प एंड जी अब ये कैसे बना इसको भी देख लीजिए सी में हुआ तो यही रहेगा माइनर का सी और देखिए चौथे पे क्या है डी शार्प है तो डी शार्प एंड आठवे पे क्या है ये जी ऑलरेडी है तो सी डी शार्प एंड जी तो यही यहाँ पे लिखा है सी डी शार्प एंड जी सो फ्रेंड्स ये रहा कॉर्ड का कांसेप्ट अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए याद आपको दो ही रखना है एक मेजर दूसरा माइनर फॉर्मूला क्या है सागा पा मेजर का सा गा पा माइनर का और हम फॉर्मूला याद करें तो 158 और 148 अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कि मैम सागा पा कहां से प्ले करना है कौन से नोट से सागा पा ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है तो मैं आपको ये क्लियर कर दू जैसे कि आप जानते कि बारह स्वर होते हैं अगर आप ये सी को सा मानते हैं तो सारे गा पाधनिशा जो बनेगा पहले नोट से वन फाइव एट या वन फोर एट काउंट करेंगे ठीक है अगर माइनर की बात करें तो वही सेम होगा वन अः फोर एट काउंट कर लिया अगर हम बात करते हैं सी शार्प से यानी कि पहले काले से अगर आप बात करें तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा कि वन फाइव एट अगर यहाँ सी शार्प से काउंट करते हैं तो वो अलग हो जाएगा मैं हारमोनियम पे इसे और क्लियरली बता देती हूँ आपको समझ आ जाएगा आपको समझ तब और अच्छी तरीके से आएगा अगर आपको 12 जगहों से सारे गांव पाता ऋषा बजाना आता होगा आप ये कह लीजिए कि अगर आपको स्केल्स आते हैं तो आपको कॉर्ड समझने में आसानी हो जाएगी मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि सबसे पहले स्केल सीखिए उसके बाद कॉर्ड सीखिए स्केल कॉर्ड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है एक आ जाएगा तो दूसरा आसानी से समझ आ जाएगा तो सबसे पहले आपको स्केल सीखना है फिर कॉर्ड सीखना है ठीक है तो चलिए मैं इसको हारमोनियम पे और डिटेल में बता देती हूँ कि हर एक जगह से अगर कॉर्ड लगाने की कोशिश करेंगे तो उसका क्या बनेगा फॉर्मूला क्या होगा उसके नंबर्स क्या बन जाएंगे और उसके स्वर क्या क्या बन जाएंगे तो आइए हारमोनियम पे देखते हैं जो मैंने अभी बोर्ड पर समझाया उसको आपने लिख लिया होगा मैं उम्मीद करती हूँ तो वो डायरी आप सामने रख लीजिए क्योंकि अगर डायरी आपके सामने रहेगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा ठीक तो देखिए मैंने बताया कि कॉर्ड जो होते हैं तीन स्वरों से मिलकर बनते हैं ठीक अब देखिए सी से अगर हम बात करें ठीक यहाँ पे भी मंद्र में भी वही बात आएगी मध्य में भी वही होगी तार सप्तक में भी वही बात होगी तो मैं बेस जो है मध्य सप्तक को बना करके बताती हूँ तो आप देखिए मैंने जो सुर लिखा था वो क्या था सी सी शाप डी डी ई एफ एफ जी जी शाप एप एंड बी ठीक है तो नंबर देखिए ट्वेल्व ठीक है तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करते हैं तो अब हमने बताया कि जो सुर होते हैं कॉर्ड के वो तीन होते हैं तो तीन स्वरों से मिलकर के कॉर्ड बनते हैं तो अगर हम इसको सा बनाते हैं ठीक है इसको सा मानते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी सा 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 ठीक है अब नी धा पा मा गा रे ये हो जाएगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ से बजाना नहीं आता है लेकिन 95 परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको पहले काले से सारे गा पाधा निशा बजाना आता है तो मैं यहां से समझाऊं चाहे समझाऊ से समझाऊं चाहे से समझाऊं सब पे बात एक ही होती है तो लेकिन मैं अभी यहाँ से बताती हूँ बाकी हर एक स्वर से सारे गा पाधा निशा बचता है और हर एक स्वर पे कॉर्ड लगाना आना चाहिए मेजर माइनर दोनों तो आप इस पे पहले समझिए फिर उसके बाद मैं सारे स्वरों पे कॉर्ड बताती हूँ कि कैसे लगेगा अब देखिए फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है वन फाइव एंड एट अब वन फाइव एट का अगर हम देखते हैं तो सागा पा बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव इसको पकड़ेंगे फाइव उसके बाद सिक्स सेवन एट इसको पकड़ेंगे ठीक है तो क्या हो गया अगर हम ऐसे देखें तो सा रे गा मा पा धा सा होता है तो सा सा गा गा पा ये ये स्वर था ना तो ये पा ठीक सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स कि कॉर्ड हमेशा एक साथ तीनों स्वर एक साथ प्रेस होते हैं ठीक है जो कॉर्ड लगाते हैं उसका जो फिंगर नंबर होगा वन थ्री एंड फाइव लगेगा ऐसे ठीक है ऐसे कॉर्ड लगते हैं इस तरीके से पहला फिंगर फिर उसके बाद थर्ड फिंगर और उसके बाद फिफ्थ फिंगर इस तरीके से ठीक है कॉर्ड ऐसे ही लगते हैं कोई भी गाना लगेगा तो कॉर्ड अगर आपको कभी भी लगाना है तो ऐसे अलग अलग सुर नहीं लगेगा एक साथ लगेगा ठीक है अब बात करते हैं माइनर की माइनर की बात वही हो गई ये वन है और ये एट है ऑलरेडी था अब इसी को एक कम कर देना है ठीक है फाइव का फोर कर देना है तो जस्ट ये दोनों वही रहेंगे इससे ये बन जाएगा अगर हम यहां से सारे गामा देखें तो सा रे गा मा पा धा नी सा ये होता है लेकिन ये गा है शुद्ध तो ये ये वाला गा क्या हो जाएगा कोमल गा ठीक है कैसे जैसे सा कोमल रे रे कोमल गा एंड गा तो ये क्या हो गया आपका कोमल गा तो ये बन गया माइनर तो आप यूं देख लीजिए ये सी ई जी जो बना यानी सा और सी डी शार्प एन जी माइनर हो गया, गया यानी कि सा कोमल गा और पा ठीक है ये माइनर कॉर्ड बन गया तो इसी तरीके से मेजर और माइनर तो ये यहाँ सी का मेजर माइनर हुआ ध्यान दीजिएगा जिस स्वर को वन मानेंगे उसी स्वर का वो कॉर्ड बनेगा मेजर माइनर उसी स्वर का बनेगा ये नहीं कि ई e का बना जी का बना अब तीनों आ रहे हैं तो, तो ये जी का है कि ई e का है ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा जिस स्वर को वन मानेंगे उसी स्वर का कॉर्ड बनेगा चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो अगर ये सा है तो ये बनेगा सी मेजर और ये बनेगा सी माइनर ठीक है अब बात करते हैं पहले काले से यानी पहले काले से सा करें तो यहाँ से सारे गावाधन अगर आपको आता है बजाना तो आपको समझने में आसानी रहेगी तो यहाँ से अगर सारे गामा पाधान ऐसा करे तो सा रे गा तो ये गा सा पकड़िए फिर गा पकड़िए फिर पा पकड़िए तो सागा पा ऐसे तो आपको कॉर्ड कैसे लगाना है यू करना है ठीक है वन थ्री फाइव इस तरीके से ठीक ऐसे भी पकड़ सकते हैं अगर ऐसे पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो वन टू थ्री ऐसे भी पकड़ सकते हैं ठीक है क्योंकि प्रोफेशनल जो तरीका होता है वन थ्री फाइव ऐसे लोग ऐसे ही पकड़ते हैं ठीक है ये सही तरीका है लेकिन अगर आपको ऐसे पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यू पकड़ सकते हैं तो कोई उतनी दिक्कत की बात नहीं है जो कंफर्टेबल पड़े और ऐसे नहीं प्ले करिएगा कभी भी ऐसे नहीं ठीक यू करिएगा यू ठीक अब यहां से अगर करें तो सी शार्प एफ एंड जी शार्प ये तीन जो बटन होगा ये मेजर बनेगा और इन दोनों को पकड़े रहेंगे और ये ई रख देंगे एक कम कर देंगे तो माइनर बन जाएगा यानी सा कोमल गा पा ठीक है ये हो गया अगर हम यहाँ से बात करें और आपको यहाँ से सारे गवा पाधा निशा बजाना आता भी नहीं है तब भी आप यहाँ का कॉर्ड निकाल सकते हैं कैसे वही फॉर्मूला लगा के वन फाइव एट डी से डी पकड़ेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व तक जाएंगे क्योंकि वो तो थर्टीन हो जाएगा अगले ऑक्टेव के लिए तो आप फॉर्मूला हमारा क्या है मेजर के लिए वन फाइव एट तो वन को पकड़ के रखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव इसको पकड़ लिया फाइव सिक्स सेवन एट ये पकड़ लिया अब डी मेजर यानी यहाँ से अगर कॉर्ड लगाना हुआ तो ये सा ये गा और ये पावना ठीक है तो अगर, अब इसको नोट भी कर लीजिए कि डी से अगर हम सा मानते हैं तो यहाँ का कॉर्ड ये होगा ठीक है याद करना पड़ेगा अगर डी का माइनर करना है तो डी का माइनर ये, ये रखेंगे इसकी तो तो बारह नंबर होगा जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व यहाँ तक लेके गए ट्वेल्व तक तो अब यहाँ से मेजर बनाना है तो वन फाइव एट मेजर के लिए और वन फोर एट माइनर के लिए तो करते हैं चलिए तो वन टू थ्री फोर फाइव इसको पकड़ लिया इसको पकड़ लिया फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पे तो ये एक तरह से ये तीन सुर मिल गए हमें तो ये क्या हुआ डी शार्प से यहां से सागा पा हुआ इसका मेजर अब ये दोनों वही रहेंगे पहला और ये वाला वही रहेगा अब इसकी जगह पे एक कम कर देंगे यानी कि वन टू थ्री फोर ये हो गया तो ये हो गया माइनर ठीक है डी शार्प माइनर तो डी शार्प मेजर ये हुआ डी शार्प माइनर ये हुआ ठीक है अगर हम ई से बात करें यानी यहां से सारे गांधा निशा की बात करें तो फिर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा वन टू थ्री फोर फाइव ले लिया फाइव सिक्स सेवन एट ये ले लिया तो यानी अगर बात करें ई मेजर की तो ई मेजर कॉर्ड ये हो गया ई जी शार्प एंड बी ठीक है और माइनर की बात करें तो ई e, जी हो जाएगा और बी ई जी बी इस तरीके से यानी कि शा गा पा हो गया मेजर सा कोमलगा, पा, हो गया माइनर इसी तरीके से आप हर एक जगह से इसके कॉर्ड बना सकते हैं अब तो आपके हाथ में है कि कैसे ये बनेगा ठीक है अगर आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया तो आज के बाद आपका कॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसलिए मैं कॉर्ड को कैसे लगाएंगे गाने में इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी उसका वेट करिएगा कि किसी भी गाने में कॉर्ड कैसे लगते हैं क्योंकि सिर्फ कॉर्ड जान लेने से आप किसी भी गाने में सही जगह पे कॉर्ड लगाना सीख नहीं जाते हैं इसलिए क्योंकि अब इसके आगे भी है फैमिली कॉर्ड्स होते हैं कि हर एक स्वर में कहा कैसे कैसे लगेगा कहाँ पे कौन से स्वर पे कौन सा कॉर्ड लगेगा मेजर लगेगा या माइनर लगेगा उसकी अपनी एक अलग थ्योरी होती है तो उसके लिए बाकायदा आपको समझ की जरूरत होगी एक वीडियो में वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया जा सकता इसलिए मैं इसका एक सीरीज बना दूंगी अभी मैं कॉर्ड के बारे में बताई हूं फिर इसके बाद बताऊंगी कि हर एक गाने में कॉर्ड कैसे अप्लाई करते हैं कौन सी जगह पे कौन सा कॉर्ड लगेगा ये कैसे समझेंगे इसको भी मैं बता दूंगी तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका काम ये है कि आपको कॉर्ड याद करना है कि कॉर्ड कितने होंगे देखिए बारह स्वर हैं बारह स्वर हैं तो बारह का मेजर और बारह से माइनर ट्वेंटी फोर भी बनेंगे तो अब आपको 24 फोर कॉर्ड याद करने की जरूरत है समझने की जरूरत है पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए फिर आगे के स्टेप को फॉलो कर पाएंगे अगर आप इसको ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे के स्टेप कैसे फॉलो कर पाएंगे है कि नहीं सो so फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय जय हिंद वंदे मातरम